दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम आए हुए हैं प्रतापगढ़ माँ बेला देवी धाम पर। तो आज आप सभी को दिखाते हैं बेला देवी धाम। और ये रहे मदन भैया जो हमारे साथ यहाँ पे बेला देवी मतलब माता रानी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं फ्रेंड्स। और आप सभी देख सकते हैं माता रानी का दरबार बहुत अच्छे से, मतलब अभी इस टाइम मतलब देख सकते हैं किस तरह सा है, देख सकते हैं आप सभी। और आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग मतलब यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। और माता रानी का द्वार अभी मतलब बंद है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बंद है। अभी कुछ टाइम बाद माता रानी का दरबार खुलेगा फ्रेंड्स। आप सभी को दिखाए कि अभी काफ़ी सारे लोग मतलब माता रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। और अभी मतलब पुजारी मतलब माता रानी के दरबार पर नहीं है, मंदिर अभी बंद है, तभी भी यहाँ पे भीड़ लग चुका है आज। और आज शनिवार है फ्रेंड्स, तो कुछ आज कम भीड़ है, नहीं तो और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहा। और ये रहा नदी, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए अभी आप सभी को पूरा मंदिर घुमाया जाता है और दिखाते हैं किस तरह से मंदिर है यहाँ पे। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो जी, और पार्वती मैया की मूर्त है यहाँ पे, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मदन भैया मतलब हमारे गाइडनर हैं जो हमें बता रहे हैं फ्रेंड्स। और ये आप सभी को जो दिख रहा है फ्रेंड्स ना, यहाँ पर मतलब जो मान्यता मानते हैं माता रानी की चुनरी लेकर यहाँ पर बांधते हैं, और जो मान्यता मानते हैं उसी तरह मतलब मान्यता पूरी होती है सभी की, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं बांधते हैं। आप सभी देख सकते हैं कितनी सारी चुनरियाँ मतलब बांधी गई हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी और आप सभी को दिखाते हैं फ्रेंड्स पूरा घूमकर। और ये रहा आप सभी को जो दिख रहा है फ्रेंड्स ना, यहाँ पे माता रानी की मूर्त है जो आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो नारियल मतलब चढ़ाया जाता है माता रानी का, वो यहाँ पे फोड़ा जाता है फ्रेंड्स। चलिए और आप सभी को दिखाते हैं घूमकर पूरा। और आप सभी को दिखाते हैं मतलब यहाँ पे जो उनका दर्शन, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और आप सभी को चलिए, मेला इधर लगा हुआ है और मतलब कुछ आज प्रोग्राम भी है यहाँ पे, तो वो दिखाते हैं आप सभी को। और यहाँ पे छोटा भंडारा भी किया जैसा वो भी है, वो दिखाते हैं। और कुछ जो यहाँ पे करने के लिए आए हैं वो आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि वो सरप्राइज़ है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं इस तरह मतलब जो आप सभी को अगर मतलब सामान कुछ लेना होता है यहाँ पे है पास में। और इस तरफ भी है मतलब पंडित जी यहाँ पे इधर रहते हैं, काफ़ी सारे मतलब मंदिर है आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स।
हैं ना नदी के पास, आप सभी को नदी दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे मछुआरे मतलब मछली जो मारते हैं यहाँ पकड़ते हैं, और ये पानी में हिल हिल मतलब मछली मारा जा रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं नदी मतलब अभी बह रहा है, ज़्यादा नहीं बह रहा, थोड़ा बहुत बह रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए आप सभी को मतलब दिखाते हैं किस तरह से काफ़ी सारे लोग मतलब यहाँ के मच्छी अच्छी मार रहे हैं। और अभी मतलब आज शनिवार से थोड़ा कम भीड़ है यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और अभी आप सभी के लिए सरप्राइज़ है, वो आप सभी को बताएंगे फ्रेंड्स। तो दिख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स मतलब नदी के पास आ चुके हैं फ्रेंड्स, और इस तरफ है मतलब मछुआरे, वो जो आप सभी को दिख रहे हैं पीछे फ्रेंड्स, उधर है मछुआरे मतलब मच्छी मार रहे हैं जो फ्रेंड्स। तो आप सभी को मतलब बैक कैमरे से दिखाते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरह से आप सभी को जो है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं ये पानी में हिले हैं, आप सभी को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितने सारे पानी मतलब अंदर हिले हैं, उसके बाद मच्छी यहाँ पे मार रहे हैं। और देख सकते हैं नदी कितनी अभी मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बहुत सूख गया है नदी, देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। सभी को दिखा चुके हैं मतलब मछुआरे जो मच्छी मारे हैं, और नदी आप सभी को दिखा चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी दिखाते हैं और कुछ, मदन के भैया का मतलब आज यहाँ पे मंदिर में शादी हो रही है, वो आप सभी के लिए सरप्राइज था फ्रेंड्स। तो चलिए मतलब आप सभी को दिखाते हैं जो यहाँ मंदिर में किस तरह से शादियाँ होती हैं, वो आप सभी को दिखाते हैं, और आप सभी नहीं देखेंगे तो आज देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अभी आप सभी को मंदिर में दिखाया जाता है, उस तरफ मतलब मंदिर है, उस तरफ चलना है हमें, और दिखाते हैं आप सभी किस तरह से मंदिर में पूजा मतलब शादी होती है, वो आप सभी को दिखाते हैं। और इस तरफ आप सभी को जो दिख रहा है मतलब हवन कुंड है, यहाँ पर हवन होता है फ्रेंड्स। तो चलिए ये दिखाया जाता है आप सभी को किस तरह से मतलब शादियाँ होती हैं यहाँ पे मंदिर में। मैं भी नहीं देखा हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो सोचा कि आप सभी क्यों पीछे रह जाए, आप सभी को भी दिखा दें किस तरह से होता है। और ये रहा मंदिर पीछे आप सभी को दिख रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए अच्छे से आप सभी को दिखाया जाता है फ्रेंड्स। अभी कुछ तैयारी नहीं है, अभी तो कुछ तैयारी नहीं, बस तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। और आप सभी को दिखाते हैं थोड़ी देर में जो यहाँ पे हो रहा होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मतलब बजरंग बली की मूर्त है, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे भी बजरंग बली है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। फिर मतलब होगा जो शादी होगी ना, वो आप सभी को दिखाएंगे फ्रेंड्स। लगाए तो घरे